पर भी एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मनप्रीत सर में। देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग 8 लेक्चर आपके अपलोड कर चुके हैं और कुछ लेक्चर और उसके पेंडिंग हैं जो अपलोड कर दिए जाएंगे आपके। उसके अलावा हम बात कर रहे थे भी आपका स्कूल लेवल का मैथ है, उस पर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो स्कूल लेवल का मैथ आपका देखिए 9th, 10th, 11th एंड 12th का मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए 10th और 9th लेवल का जो मैथ है वो काफ़ी मायने रखता है, उनकी काफ़ी हेल्प भी करता है कुछ एग्जाम्स के अंदर और कुछ टॉपिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर भी। और उसके अलावा 11th और 12th का मैथ भी काफ़ी हेल्प करता है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हम आपको सिखाएंगे, उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम 10th क्लास के मैथ का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके बाद उसकी वीडियो कुछ कारण से नहीं डाल पाए। तो आप देखिए कि हम जो अब बात करेंगे ना, बात करेंगे कि जो रियल नंबर के अंदर जो रेशनल और इरेशनल है, यानी कि रेशनल और इरेशनल के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 के अंदर, वो क्वेश्चन ये है आपका, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। देखिए, ये चीज आपको भी पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और हो सकता है ये सभी बच्चों को पता हो और मेरे को भी पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इस चीज को मेरे को प्रूव करके दिखाना होगा आपको कि √5 इरेशनल है तो क्यों है। तो देखिए, मैं इसको दो तरीके से प्रूव कर सकता हूं। जो पहला तरीका है उसका हम यूज करेंगे कि मैं इस √5 को कोशिश करूं कि ये रेशनल प्रूव हो जाए। अगर ये √5 रेशनल प्रूव नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ दो ही हैं, √5 या तो रेशनल है या इरेशनल है। अगर इसको मैं इरेशनल प्रूव करता हूँ ये हो जाता है तो ये इरेशनल है, या मैं इसको रेशनल प्रूव करने की कोशिश करूं तो ये रेशनल प्रूव नहीं हो पाता तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आप इसको देखिए, नंबर है तो यहां पर मैं क्या मानता हूं, देखिए, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है आपका, रेशनल नंबर, यानी कि मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी जिनका यूज हमें करना होगा। तो यहां पर देखिए, अगर मैं √5 इक्वल टू a/b मानता हूं, तो अब बच्चों के दिमाग में ये चीज आएगी भी कि a और b क्या है। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा कि a और b क्या है आपका। तो यहां पर आप देखिए, जो a और b है वो आपके क्या है, इंटीजर है, ठीक है। a और b i से हमने डिनोट किया है कि a और b आपके क्या है, इंटीजर है। और एक चीज और, आपका जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि जो नीचे b है वो 0 ना हो के 0 से कुछ अलग है, और कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं है आपका, ठीक है। और एक कंडीशन और रखेंगे भी, आपका जो a और b है वो कौन से नंबर है आपके, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है आपके। अब कुछ बच्चे को ये चीज पता होगी कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कुछ बच्चों को ये चीज पता नहीं भी होगी। तो देखिए, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर का कॉमन फैक्टर आपका ओनली एक हो, यानी कि अगर मैं 3 और 5 की बात करूं तो ये एक को प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ एक है, आई की नहीं बात समझ में। तो ऐसे को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर एक है, ए और बी वही है। अब यहां से देखिए, इससे आगे हम क्या करेंगे, यहां से देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि हिंदी में बात करें तो वज्र गुणा करता हूं, तो ये मेरे पास क्या हुआ, देखिए भी बी √5 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए होगा। अब इसको आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए चीजों को स्टेप टू स्टेप समझिए। अगर मैं स्केरिंग बोथ साइड करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, यहां से देखिए 5b² इक्वल होगा मेरे पास a² होगा, यानी स्केरिंग मैंने अगर बोथ साइड की है तो इसका मतलब मेरे को यहां से क्या पता चला है, अभी a² है जो 5 है वो किसको डिवाइड करेगा, a² को डिवाइड करेगा भी, यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भी, देखिए ऐसे लिख सकता हूं कि b² बराबर a² बाई 5, इसका मतलब ये हुआ भी आपका 5 divides a², यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 5 है डिवाइड किसको करेगा, a² को, 5 किसको डिवाइड करेगा, a² को 5 डिवाइड करेगा। अब आप देखिए, 5 एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स a, यानी कि 5 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, 5 a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 डिवाइड्स a² बट 5 एक आपका प्राइम नंबर है, अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर आपका 5 डिवाइड्स a, 5 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप चीजों को स्टेप टू स्टेप समझिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर अगर मैं अब आगे यूज करूंगा तो देखिए 5
डिवाइड्स ए स्क्वेयर और 5 डिवाइड्स ए है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 बराबर मेरे पास क्या है, ए है, तो यहाँ पर क्या होगा 5 सी बराबर क्या होगा आपका, ए स्क्वेयर होगा। अब सी क्या है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सी आपका क्या है अभी, सी आपका एक आई से डिनोट कर दिया मैंने, सी एक इंटीजर है, यानी कि 5c इक्वल टू मेरे पास क्या होगा ए, सॉरी भी 5c मेरे पास क्या होगा ए, यानी कि अब मैं क्या करूं इस चीज में, मेरे क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए। यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, आप सोच सकते होगे भी 5c बराबर हमने क्या लिया है आपका, ए लिया है। तो देखिए सी क्या है इसका, सी भी आपका सेम एक इंटीजर है। अब हम आगे क्वेश्चन के अंदर, अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा अभी 25c² बराबर क्या होगा आपका, ए स्क्वेयर होगा, मैंने स्केयरिंग बोथ साइड की। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ए स्क्वेयर है और इधर आप देखेंगे तो मेरे पास ए स्क्वेयर बराबर क्या आया था, बी स्क्वेयर आया था। तो इस इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं और यहां पर भी मेरे पास देखिए भी, यानी कि ये मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट है, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड है। तो यहां पर आप बताइए 25 × c² इक्वल में ए स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर की जगह क्या मैं 5b² पुट कर सकता हूं भाई, हम जरूर कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हमने कहीं ना कहीं इनका यूज किया है। तो यानी 25c² इक्वल में मेरे पास क्या होगा 5b² होगा। यहां से अगर इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा 5c² इक्वल में आपका b², यानी कि c² बराबर मेरे पास क्या होगा b² / 5। अब आप देखिए c² इक्वल टू मेरे पास क्या आया b² / 5 आया, इसका मतलब क्या है अभी 5 डिवाइड्स किसको करेगा, b² को करेगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो प्राइम नंबर है 5 आपका, इसका मतलब क्या होगा 5 डिवाइड्स b, यानी 5 है वो b को भी भाग दे रहा है, 5 है वो a को भी भाग दे रहा है, हमने पीछे यूज किया है। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें, अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 5 है वो आपका एक प्राइम नंबर आया है, b को डिवाइड करता है तो भी 5 ही करता है और a को डिवाइड करता है तो भी आपका 5 ही करता है। अब आप देख सकते हो भी 5 क्या है आपका, यानी कि a और b है उन दोनों को डिवाइड कर रहा है 5, तो 5 आपका क्या है भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है भी, a और b का कॉमन फैक्टर है आपका कौन 5 है। अब देखिए a और b का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि a और b एक को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स का मतलब इनका कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इसका कॉमन फैक्टर कितना आया है 5 आया है, दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कि हम जिस कंडीशन को लेके चले थे, जो चीज हमने स्टार्टिंग में यूज की थी उन्हीं का ही यूज करना था, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कोप्राइम फैक्टर 1 आता है, यानी कि जो हमने कोप्राइम नंबर माने थे उनका फैक्टर हमारे पास 1 आता, तो हम मानते कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमारे पास कोप्राइम नंबर जो a और b है उनका कॉमन फैक्टर कितना आया आपका 5 आया है। इसका मतलब हमने शुरू में अजम्पशन लिया था कि a और b कोप्राइम नंबर्स हैं और जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब हमने अजम्पशन के अंदर कुछ रोंग लिया है। इसका मतलब कि रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है, हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। यानी कि हमारा अजम्पशन क्या है, रोंग है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं कि रूट 5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी प्यारा क्वेश्चन है और आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर, और जो स्कूल की तैयारी करते हैं बच्चे वो तो इसी पैटर्न से, जो चीजें मैंने आपको स्टेप टू स्टेप लिखवाई है ना, इसमें से एक भी चीज मिस नहीं करनी आपको, ऐसा का ऐसा एग्जाम में छाप के आ जाना है आपके। इस क्वेश्चन के अगर ये 5 नंबर का आता है तो आपके 5 के 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर आपके इसमें से नहीं काटेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भी, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए हमें पता तो है कि ये इरेशनल नंबर है, बट हमें इस चीज को प्रूव करके दिखाना है कि इरेशनल नंबर है तो क्यों है। तो हम पहले वाले तरीके का ही यूज करेंगे, लेट सपोज दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर,
यानी कि इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या करूंगा, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट सपोज थ्री प्लस टू रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि जो तीन प्लस दो रूट पांच है वो आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, सपोज दैट का भी यूज करेंगे भी, इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो चीजों को समझ पाए होंगे, मैथ्स में आप इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ना ही देखें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सपोज के बाद हम दैट का यूज करेंगे, सपोज दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर। अब इस चीज का हम यूज कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए थ्री प्लस टू रूट फाइव, जो थ्री प्लस टू रूट फाइव है वो इक्वल किसकी है आपका, पहले हमने किसका यूज किया था, a बाई बी का। अब ये a और b क्या है, अब चीज देखिए भी, यानी कि a और b है वो आपके क्या है, इंटीजर है, आई कि नहीं आई बात समझ में, a और b आपके क्या है, इंटीजर है, जिसमें आपका b है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है। अब इस चीज को आप देखिए, यहां से अगर हम देखेंगे ना, तो अगर मैं थ्री को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का होगा, यानी कि टू रूट फाइव इक्वल में होगा आपका a बाय बी माइनस में थ्री, यही होगा भी आपका, ठीक है। और अगर थ्री के नीचे अगर मैं वन लिख दूं तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आएगी नहीं बात होगी, यहां से अब क्या होगा, रूट फाइव इक्वल टू वन बाय टू ब्रेकेट के अंदर a बाय बी माइनस में थ्री प्लस वन, ठीक है, यहां तक हमने चीजों को कर लिया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप रिवाइज करके दो तीन बार देखेंगे ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, और b नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब a बाई बी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और 3 भी एक रेशनल नंबर है, 3 बाय 1 एक रेशनल नंबर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर का जो अंतर होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल में ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, आपकी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है भाई, ठीक है, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो आपकी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश जरूर करें भी, देखिए a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो a और b क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, यानी कि a बाई बी रेशनल नंबर, और 3 बाई 1 भी एक रेशनल नंबर हो गया, तो टू रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होगा, मल्टीप्लाई हम एक बाई टू से कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रेशनल नंबर ही रहेगा, लेकिन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या, हमारे पास रूट फाइव है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आप एक चीज देखिए, इस साइड तो इरेशनल नंबर है और उस साइड आ गया रेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है जो हमने लिया है वो कहीं ना कहीं रोंग है, अजम्पशन रोंग है। इस बिहाफ पे मैं क्या कह सकता हूं भी, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज नॉट ए रेशनल नंबर, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये नंबर कौन सा है भाई, इसका मतलब थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, इस चीज को हम प्रूव कर चुके हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ रहे होंगे तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि जब ये नंबर इरेशनल है तो आप इसको इरेशनल प्रूव करके दिखाओ, रेशनल क्यों मान रहे हो, लेकिन आप इसको रिवाइज करके एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि इजी स्टेप आपका यही है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिस चीज से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर करके आओगे तो आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें प्रूव करना है 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, और ये कंडीशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हम हर क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे जहां पर भी हम क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करने की कोशिश करें। ए और बी आपके इंटीजर हैं, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए और बी आर को प्राइम नंबर, वन इज कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है, एक है। ये चीज आपके कंठस्थ होनी चाहिए, यानी कंठ में इनका स्थान होना चाहिए, यानी ये चीजें आपको बिल्कुल ही याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/√2 इक्वल टू होगा मेरे पास ए बाय बी, और यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बी बराबर क्या आएगा, √2a। स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा तो बी स्केयर बराबर 2a स्केयर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, भी देखिए बी स्केयर बराबर 2a स्केयर, यानी कि 2 divides b square, यानी कि यहाँ से क्या होगा 2 divides b square, 2 divides b square, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, 2 divides b, यानी कि 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो यानी कि अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं b बराबर 2 और k क्या है आपका, k को हम क्या मानेंगे, k इज सेम आपका, k क्या है, इज सेम इंटीजर, ठीक है। से जो k है वो आपका क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अगला स्टेप यूज करेंगे तो आप महसूस कर पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सेम पैटर्न का यूज कर रहे हैं। मैं स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, अभी बी स्केयर बराबर होगा 2k स्केयर, और बी स्केयर इक्वल टू मेरे पास क्या आया था, बी स्केयर इक्वल टू मेरे पास क्या आया था, 2a स्केयर, यही आया था अभी आपका, आई कि नहीं बात समझ में, यानी कि बी स्केयर इक्वल टू मेरे पास क्या आया था, 2a स्केयर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अभी देखिए 2a स्केयर लिखेंगे, यहां पर स्केयरिंग बोथ साइड किया था तो ये मिस्टेक हो गई, ये क्या आएगा आपका 4k स्केयर आएगा। तो यहां से मेरे को क्या पता चला है भाई, यहां से देखिए 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्केयर बराबर 2k स्केयर। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं 2 divides a square, इसका मतलब 2 divides a। अब आप देखिए 2 है वो a को भी डिवाइड करता है और 2 है वो b को भी डिवाइड, 2 है वो a को भी डिवाइड करता है और 2 है वो b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब जो a और b है, जो हमने इंटीजर लिए थे a और b, उनका कॉमन फैक्टर कितना आया आपका, 2 आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया था कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं और इनका कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आया है कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इसका मतलब दिस इज इम्पॉसिबल, ये रॉन्ग है कि 1/√2 नॉट ए रेशनल नंबर। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि 1/2 आपका क्या है, वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल वो प्रूव नहीं हो पाया, हमारी कंडीशन जो हमने अजम्पशन लिए थे वो हमारे रॉन्ग प्रूव हो गए। इसका मतलब 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमें प्रूव करना है कि 7/5 इज ए इरेशनल नंबर। ये भी काफी इजी है, जो जिस पैटर्न का यूज करेंगे वो हमने लिख रखा है, यानी ये चीज मैंने मिटाई नहीं है, क्योंकि इसका बार बार यूज करेंगे तो इसको मिटा के बार बार लिख के आपका टाइम बढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। तो ए और बी हमारे पास इंटीजर है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए और बी आर को प्राइम्स नंबर, वन इज कॉमन फैक्टर। तो यहां से आप देखिए क्या चीज करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर देखिए 7/5 इक्वल टू होगा ए बाय बी, यानी कि हम लिखेंगे √5 इक्वल टू ए अपॉन 7b होगा। तो यहां से आप देख सकते हो ए आपका एक इंटीजर है, बी भी आपका एक इंटीजर है, और बी की कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए और बाय बी दोनों इंटीजर है, 7 into में यानी कि इक्वल तो जीरो है ही नहीं, तो नीचे जीरो तो होगा नहीं, यानी कि a और a बाय a अपॉन 7/b हमारे पास क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये है आपकी राइट हैंड साइड, यानी कि ये हमने क्या प्रूव कर दी कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि रूट फाइव के बारे में हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है।
तो आप मेरे को बताइए क्या ये चीज पॉसिबल है, इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बता सकता हूँ कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये देखिए काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ये आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल बेसिक पता भी होना चाहिए, इसलिए ये चीज आपको करवा रहे हैं कि हमारे कंपटीशन के बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी ये हेल्प दे, और स्कूल के बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना, जो पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूँ, इस पैटर्न से अगर आप एग्जाम के अंदर फाइट करेंगे या पेपर के अंदर ऐसी ही चीजों को लिख के आएंगे ना, तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं, यानी कि जितने भी नंबर का आपका जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके आपके पूरे नंबर देगा, नंबर उसमें से एक भी नंबर माइनस नहीं करेगा। 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए मैं लिखता हूँ, ये है कि हमें प्रूव करना है कि 6+√2 इज ए इरेशनल नंबर। वही चीजें जो आपको लिख रखी है इनका हम यूज करेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 6+√2 इक्वल टू होगा आपका a बाई बी, और √2 इक्वल होगा आपका a बाई बी माइनस में 6/1, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए a भी आपका एक इंटीजर है और b भी आपका एक इंटीजर है, तो a बाई बी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, और 6/1 भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ चुकी है, रेशनल आ चुकी है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। लेकिन इस चीज को हम प्रूव कर चुके हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 को हम इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं। तो आप मेरे को बताइए इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, क्या ये चीज पॉसिबल है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये इम्पॉसिबल है, यानी अजम्पशंस में हमने कहीं कुछ रोंग लिया है। इसका मतलब 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि 6+√2 आपका एक इरेशनल नंबर है, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आपको आज बताई गई हैं वो काफी पसंद आई होंगी। अगर आपको चीजें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे वीडियो को अंत तक देखते हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने छोटे बहन भाइयों को जो स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर घर पर भी, आप उनको भी शेयर करिए। और कंपटीशन के बच्चों के लिए भी ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, हम कुछ चीजें ऐसी कॉमन करवा रहे हैं जो आपके कंपटीशन के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्कूल के बच्चों के लिए तो उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।